आज के हमारे इस कार्यक्रम के उद्घाटक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे पी नड्डा जी विनय सहस्त्रबुद्धे जी रविंद्र साठे जी वी सतीश जी इस सभागार में उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री आर सी पी सिंह जी थंबे दुरे जी वीरेंद्र वैश्य जी शांतिश्री पंडित जी आनंद रंगनाथन जी कई गणमान्य वक्ता यहाँ पर उपस्थित है हमारे जेठमलानी जी भी यहाँ पर उपस्थित है ऐसे कई गणमान्य लोग हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और आज रामभव भाव मागी प्रबोधिनी के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर ये दिन भर कई गोष्ठी आयोजित की गई है और मैं ऐसा मानता हूं कि यह बिल्कुल सही वक्त है कि जब हम वंशवाद की राजनीति के ऊपर चर्चा भी करें और एक जनमत तैयार करें क्योंकि हमने लोकतंत्र को स्वीकारा है और जिस समय लोकतंत्र की परिकल्पना भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने रखी थी अंबेडकर तो जी कहते थे कि संविधान ने परिवर्तन क्या किया है तो परिवर्तन यह किया है कि पहले रानी के पेट से जो पैदा होता था वो राजा होता था अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा तो वोट की पेटी से यानी बैलेट बॉक्स से पैदा होगा और यह जो परिवर्तन सोचा गया था कि समाज अपने लिए व्यवस्था खड़ी करेगा वो व्यवस्था समाज के लिए कार्य करेगी और अगर व्यवस्था भ्रष्ट हो जाएगी तो समाज को अधिकार होगा अपनी व्यवस्था बदलने का ये सूत्र हमारे संविधान के माध्यम से हमको मिला और हम लोग हमेशा कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी दुनिया के लोकतंत्र में हम लोग बसते हैं और सही भी है हम लोगों को हमारे लोकतंत्र का अभिमान भी होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार से हमारा लोकतंत्र विकसित होता गया है जिस प्रकार से हमारे यहाँ निष्पक्ष चुनाव हम लोग कर पाते जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग इतने बड़े देश के अंदर लोकतांत्रिक पूरी जो प्रक्रिया है फिर वो देश का आयोग देश के और विधानसभा के चुनाव हो राज्य के आयोग पंचायत से लेकर तो सारे चुनाव हो ये सारे चुनाव जिस प्रकार से हम लोग संपन्न करते हैं एक बहुत ही स्वस्थ इस प्रकार के लोकतंत्र के रूप में भारत की ओर देखा जाता है लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें जो अच्छी है इसकी ओर देखते हुए हम लोग विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि कहीं हमारे यहां पर वापस वो राजाशाही वाली मानसिकता ये पीछे के दरवाजे से प्रवेश तो नहीं कर रही है और जब कई पार्टियों को हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि उनके पॉलिटिकल हेड्स कहने को तो लोकतांत्रिक हेड्स है किंतु किसी राजा से कम नहीं है उनकी पार्टी आज की भाषा में अगर हम कहें तो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी से कोई अलग नहीं है और जो राजा चाहता है वही उन पार्टियों में होते हुए हम लोग देखते और अगर हम भारत के राजनीतिक इतिहास को देखें तो हमारे लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा यही है कि एक प्रकार से ये जो सुडो इंपीरियलिज्म है एक छद्म राजशाही जो हमारे लोकतंत्र के बीच पनपने के आसार हमको दिखते हैं या पनपी हुई दिखती है मैं ऐसा मानता हूं कि इसके खिलाफ एक बड़ी जागृति होने की आवश्यकता है हमने अक्सर यह देखा है कि ये जितनी वंशवादी पार्टियां है जैसा विनय जी ने कहा कि परिवार के लोग ही प्रमुख पदों पर है और एक ऐसा वातावरण हमको देखने को मिलता है कि जिसमें सत्ता और पैसा इसका एक ऐसा समीकरण तैयार होता है कि जिसके चलते लोकतंत्र को पूरी तरीके से मुट्ठी में बांधने की कोशिश होती है आज अगर हम राष्ट्रीय स्तर के या क्षेत्रीय स्तर के पारिवारिक पक्ष देखे तो हमारे लोकतंत्र में भ्रष्ट आचरण जिस प्रकार से बढ़ा इसके पीछे सबसे ज्यादा कोई होगा तो वंशवादी पार्टियां हैं। आप देखिए जितने स्कैम हुए देश में जितने बड़े बड़े घोटाले हुए चाहे राज्यों में हुए हो देश में हुए हो इनमें पचानवे प्रतिशत घोटाले आपको ये वंशवादी पार्टियों के राज में होते हुए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि अगर वंश चलाना है तो एब्सोल्यूट पावर चाहिए और जैसा हम सब लोग जानते हैं कि एप्सोलूट पावर करप्ट एप्सोल्यूटली इस चीज को यथार्थ में लाने का काम यह पार्टियां करती है और इसलिए पूरे तरीके से उस पावर को हथियाने के लिए कभी पैसे का उपयोग होता है कभी राजनीति का अपराधिकरण होता है और सारे तरीके के लोगों को हाथ में पकड़कर हम कैसे अपनी पार्टी को चला पाए इस प्रकार का ही कार्य होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है और इसलिए आवश्यकता इस बात की है आज देखिए देश की सबसे बड़ी पार्टी जो रही है और सबसे पुरानी पार्टी रही है उस पार्टी के सामने इतना बड़ा प्रश्न है कि पार्टी के युवराज अध्यक्ष बनना नहीं चाहते और दूसरे किसी व्यक्ति को वो अध्यक्ष बनाना नहीं चाहते तो बिना अध्यक्ष पार्टी चल रही है जितने दिन चलेगी चलेगी लेकिन दूसरा व्यक्ति नहीं बनेगा बनेंगे तो युवराज बनेंगे और ऐसा सब जगह है मतलब महाराष्ट्र भी इससे कोई अलग नहीं है मैं चूंकि महाराष्ट्र से आता हूं इसलिए महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहा हूं तो महाराष्ट्र में भी यही परिस्थिति हमको पता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बाद उनकी पार्टी कौन चलाएगा उनके बाद उनकी पार्टी कौन चलाएगा कोई तीसरा व्यक्ति जब चलाने की कोशिश करता है या पावरफुल होता है तो पार्टी से बाहर हो जाता है पार्टी में रहता नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक प्रकार से हमारी लोकतंत्र के ऊपर ये जिस प्रकार का एक खतरा हमको दिखाई पड़ता है कि धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथ में मतलब एक महाराष्ट्र के बड़े एक पॉलिटिकल थिंकर ने किताब लिखी और उस किताब के माध्यम से उन्होंने कहा कि पुरानी बात है आज की बात नहीं है पंद्रह बीस साल पहले की बात है पर उन्होंने उस किताब के माध्यम से कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति पचास परिवार चलाते हैं, पचास परिवारों के बाहर वो जाती नहीं है ये तो ठीक है कि मोदी जी के आने के बाद महाराष्ट्र की भी राजनीति बदली पर इस प्रकार की राजनीति अलग अलग राज्यों में हमने देखी कि चंद परिवार मिलाकर मतलब इधर भी वो उधर भी वो चारों तरफ अलग अलग ब्रांड लेकर अलग अलग नाम लेकर वही वो, वो और सामान्य व्यक्ति उसको कोई मुझे ऐसा लगता है कि उसमें चांस नहीं है और मुझे इस बात की खुशी है कि हम तो जिस विचारधारा में काम करते हैं उसमें वंशवाद का कोई स्थान नहीं है और शायद इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जैसा एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नड्डा जी जैसे जिनकी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं है वे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं क्योंकि वंशवाद से अलग सही मायने में लोकतंत्र को अपना कर विचारों के लिए काम करने वाली सत्ता के लिए नहीं विचारों के लिए काम करने वाली इस प्रकार का जब दल तैयार होता है तो हमको एक अलग परिणाम देखने को मिलता है हम सभी लोग आदरणीय नड्डा जी को सुनना चाहते हैं इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि रामभा मार्गी प्रबोधिनी ने आज का जो विषय रखा है आज के विषय से विचार प्रवर्तन तो होगा ही लेकिन विचार प्रवर्तन के साथ साथ जब तक विचार परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमको वंशवाद के खिलाफ ये लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उसके लिए आप सभी उसमें सहाय करें इतना ही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं जय हिंद जय भारत